नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में 35 सालों से शवों को जलाने वाले शंकरलाल साहू वैशाली नगर से स्वाभिमान मंच से नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं। उनके साथ फिल्म पीपली लाइव के कलाकार ओमकार दास मानिकपुरी भी नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे। शंकरलाल साहू पिछड़े वर्ग से आते हैं और इस बार वैशाली नगर विधानसभा से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वैशाली नगर में शायद ही कोई ऐसा हो जो इन्हें ना जानता हो, क्योंकि इनका काम ऐसा है जिसे देखकर किसी का भी दिल पसीज जाता है। शंकरलाल साहू का कोई भी राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, ना ही किसी ऐसे नेता से संपर्क है जिनके बूते से इन्हें पहचान मिली हो। इसके बावजूद अपने काम से शंकरलाल पहचाने जाते हैं। शंकरलाल रामनगर मुक्ति धाम में पिछले 35 सालों से शवों के अंतिम संस्कार का काम करते आ रहे हैं। अब तक शंकरलाल 1 लाख से अधिक शवों का अंतिम संस्कार करवा चुके हैं। वहीं शंकरलाल को बचपन से अभिनय करने का भी शौक है। अब तक कई छत्तीसगढ़ी फिल्म और एल्बम में शंकरलाल काम कर चुके हैं। न्यूज से बात करते हुए शंकरलाल साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा गरवा घुरवा गाड़ी एवं गीत उन्होंने ही लिखा है, जो कि आज छत्तीसगढ़ के हर किसी की जुबान पर है। चुनाव लड़ने के लिए उनके पास ज्यादा पैसा तो नहीं है, लेकिन वो जन सहयोग करके इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं।